हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIS के एडमिशन के लेकर या NIS में रजिस्ट्रेशन के लेकर, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कि सर NIS में कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो किस महीने से शुरू होगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और NIS से अगर आप कोर्स कर लोगे तो आपको कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है, तो सारे डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी हम साथ में अटैच करेंगे जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि NIS में कब एडमिशन होता है और NIS में कोर्स कैसे मिलता है, अगर आपने NIS में कोर्स किया तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, आप पूरे पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आपको पूरे पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जिससे ये हो सकता है कि अगर आप कोर्स करेगे तो आपको पूरे पूरे फ़ायदा होगा और आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को जानकर ही अप्लाई कर पाओगे। तो अगर किसी चीज़ में आपको अप्लाई करना है और अगर किसी चीज़ में आपको जाना है तो पहले आपसे ज़रूरी है कि आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें। तो हम आपको इस वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, आप भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन पाओगे कि आपको ये जो एडमिशन लेना है आपको किस महीने में लेना होगा। तो लेना अगर आप ले लोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके सर्टिफिकेट में भी कितने आसानी होगा और आपके सर्टिफिकेट में कितना वैल्यू दिया जाएगा, तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे योर इंटरनेट हेल्पर लिखा हुआ है उसके बगल में एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, डेली न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले NIS की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम आपको जो रजिस्ट्रेशन की तारीख यहाँ पे दिया गया है उसी को हम आपको देंगे। तो अगर आप NIS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एक बात जान लेना चाहिए, यहाँ पे जो 2017 से 2019 में जो कोर्स हुआ था वो MHRD की तरफ से कंडक्ट किया गया था और जो आप सभी ये पूरे पूरे वीडियो देखने से आपको मालूम होगा कि किसकी तरफ से या जो कोर्स चल रहा था NIS की इस महीने में ही ख़त्म होने वाला है, ये सिर्फ MHRD की तरफ से ही कंडक्ट किया गया था। और आप सभी को और एक बात मालूम कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो खबर आया था कि 2019 के 31 मार्च से पहले ही सभी को DL.ED कर लेना चाहिए और ये लास्ट चांस है। तो आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि ये जो लास्ट चांस यहाँ पे बताया गया है उन शिक्षकों के लिए बताया गया है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए ये लास्ट चांस था। अगर उन्होंने ये DL.ED नहीं किया तो उनके लिए यहाँ पे मुसीबत होने वाला है, उनको यहाँ पे कोर्स से या उनको टीचिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिया जाएगा, देखा दिया जाएगा। तो उनके लिए ही लास्ट चांस दिया गया था। अगर आप करना चाहते हैं तो DL.ED तो NIS से भी कर सकते हैं और NIS में आपको कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है या NIS में आपको कितनी आसानी है वह आप खुद मालूम कर पाओगे कि NIS में आपका। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए NIS के कोर्स के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रिंटेड मटेरियल, जो यहाँ पे NIS की तरफ से स्टडी मटेरियल दिया जाता है और जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पे अगर आप NIS से ये सारे कलेक्ट करोगे तो आपको आसानी में आपको घर बैठे बैठे आप स्टडी मटेरियल पाओगे, आपको किसी जगह पे जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप अपने स्टडी मटेरियल को ले या आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। आपको सिर्फ NIS की साइट में आना होगा और यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि मैंने किस ऑप्शन में क्लिक किया है, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सारी स्टडी मटेरियल आ जाएगा, तो आपको ये भी आसानी होगा। उसके बाद हम बताएंगे या उसके बाद आपको और एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि आपको NIS का जो कोर्स है वो कितना फ़ायदा है या जो कोर्स हुआ था उन सभी को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप SC/RT से करते हो DL.ED तो उसके लिए आपको क्या होगा, आप सिर्फ एक ही स्टेट में टीचिंग कर पाओगे। जैसे मालूम है कि CGC, SC/RT, राजस्थान SC/RT ऐसा कुछ
सभी जगह में एक SCRT होता है। अगर आप SCRT से करोगे तो आपको सिर्फ एक स्टेट में ही टीचिंग का सिस्टम दिया जाएगा, या आप सिर्फ एक स्टेट के लिए ही DLED के लिए मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर आपने NISC किए तो आपका कोर्स पूरे भारत के जिस किसी भी स्टेट में हो आप यहाँ पे टीचिंग कर पाओगे, क्योंकि सभी स्टेट का SCRT का जो सिलेबस होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है। लेकिन आपका जो NIS का कोर्स है वो पूरे भारत में आपको लागू होगा, और जिन्होंने NISC किया है उनको आप पूछ सकते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर पूरे भारत में जैसा होता था उनके भी क्वेश्चन पेपर ऐसा रहता है। तो ये बात उन सभी से पूछने से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि NIS के कोर्स में कितनी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या NIS के कोर्स में कितनी सहूलियत है। लेकिन यहाँ पे और एक बात आपको मालूम कर लेना चाहिए कि NIS जो स्टडी सेंटर देता है या एग्ज़ाम सेंटर देता है वो बहुत दूर दूर जगह में दे दिया जाता है। तो उसके लिए NIS के बहुत सारे परीक्षार्थियों ने हमको पूछा था सर कि हम एग्ज़ाम सेंटर को कैसे करीब ला सकते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम उनके लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने बावजूद कि उन्होंने 100 माइल 200 माइल जाके भी परीक्षा दिए है, उसके बाद आपके सोच है या आप सोच सकते हैं कि आप NIS से लोगे या SCRT से कोर्स करेंगे। आप सभी ने बताया था कि NIS से कैसे एडमिशन लेना है या NIS के एडमिशन लेने की तारीख कब है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं NIS के एडमिशन की तारीख और NIS में रजिस्ट्रेशन की तारीख जो बताया गया है उसी को हम देख। तो यहाँ पे आप पहला खबर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया था कि NIS से सभी को एडमिशन लेना था, और यहाँ पे हम आपको इसलिए ये खबर दे रहे था कि आपको पहला एक डॉक्यूमेंट मिल जाए कि आपको या जिन्होंने NIS से DLED किया है उनको किस तारीख में DLED करने के लिए या DLED शुरू करने के लिए बताया गया है। तो खबर को अगर देखोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक, स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षकों शिक्षण प्रशिक्षण का फॉर्म भरे, तो डिटेल्स आप देखोगे तो आपको कुछ मालूम होगा कि कब ये बताया गया था। NIS के क्षेत्रीय निदेशक ने शिक्षकों से की अपील, तो यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS के क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार सिंह ने शिक्षकों को आह्वान किया है कि डिप्लोमा कोर्स के लिए फॉर्म अवश्य भर दे। रविवार को वोटी मोड़ के RTC हाई स्कूल में आयोजित NIS के शिक्षक प्रशिक्षण फॉर्म भरने त्रुटि और समाधान विषय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। वैसे शिक्षक जिन्होंने BEd अथवा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी डिप्लोमा नहीं लिया है उनके लिए इस पाठ्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक मार्च 2019 के बाद बगैर DLED और डिग्री के कोर्स शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये हम आपको बताने की ज़रूरत थी कि कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते 30 सितंबर को ही शुरू हुआ था, तो DLED का या NIS का जो कोर्स शुरू होगा वो शायद सितंबर में होगा। और आपको और एक डॉक्यूमेंट हम आपको देने वाले हैं जिसमें आप देख पाओगे कि ये सितंबर में एक्सटेंड किया गया था, पहले ये अगस्त तक था उसके बाद यहाँ पे सितंबर तक कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे आपने यहाँ पे देख लिया है कि सितंबर तक बताया गया है कि 30 सितंबर के बीच बीच में ही सभी को फॉर्म भर लेना चाहिए। और दूसरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको और कुछ मालूम होगा कि NIS में कब एडमिशन लिया जाता है या एडमिशन लेने के लिए कब इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट चांस और वन ट्रेन टीचर फॉर ऑप्टेनिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन DLED यानी NIS से, आप NIS के लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि लास्ट चांस यानी सभी शिक्षकों को DLED करने के लिए लास्ट चांस दे दिया गया था। लेकिन आप सभी को तो मालूम कर लेना चाहिए कि शिक्षकता या टीचिंग समाप्त नहीं होने वाला है, टीचिंग चलने वाला है। और ये लास्ट चांस इसलिए बताया गया था कि जिन शिक्षक या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने DLED नहीं की उनको उनके लिए लास्ट चांस है। अगर आप शिक्षक नहीं है या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए NIS का दर्जा खुला हुआ है, NIS से आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट चांस जो बताया गया था जो शिक्षक DLED के टीचिंग कर रहे थे और DLED नहीं किए उनके लिए लास्ट चांस है, आपके लिए लास्ट चांस नहीं है। तो अगर आप DLED में NIS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लैक्स ऑफ अनट्रेंड स्कूल टीचर टीचिंग इन गवर्नमेंट गवर्नमेंटेड एंड प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये चांस दिया गया है
कोर्स ड्यूरेशन इज ओनली 2 ईयर, नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ, देयर फॉर रश टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड इज 15 सितंबर 2017। यानी ये जो कोर्स शुरू हुआ था 15 सितंबर 2017 को, और हमने आपको ये भी बताया था कि अगस्त में शुरू हुआ था। अगस्त में शुरू होने के बाद ये एक्सटेंड करके यहाँ पे 15 लाया गया, और हमने आपको और एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि 30 सितंबर तक लाया गया था। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए कि ये कोर्स जो शुरू हुआ है ये सितंबर में ही होता है, लगभग सितंबर के बीच बीच में या सितंबर के ख़त्म होते होते ही एप्लीकेशन बंद हो जाता है, या एप्लीकेशन जो शुरू हुआ था NIS की ये सितंबर तक ही शुरू हुआ था या सितंबर में ही शुरू हुआ है। आपको सिर्फ एक बात नहीं समझ लेना चाहिए कि सितंबर में ही NIS से आप एडमिशन ले सकते हैं। और कैसे आपको एडमिशन लेना है, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा NIS आपकी साइट में देगा, या NIS की ऑफिशियल साइट में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको और दो एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि NIS के आपको लेने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, या NIS में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे यह भी बताया दिया गया है, फॉर रजिस्ट्रेशन विजिट NIS वेबसाइट www.nis.ac.in, या उसके बाद बताया गया है dll.nis.ac.in एंड NIS DLL मोबाइल ऐप, या तो आप जो उस मोबाइल ऐप को भी गूगल प्ले से डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर ये साथ में ये बताया गया है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका फीस 4,500 होगा। ये NIS वाले जिनको स्पेशल कोर्स दिया गया था, लास्ट चांस दिया गया था उनके लिए 4,500 लिया गया था। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 6,000 रुपये की ज़रूरत होगा। ये स्पेशल था उन शिक्षक जिन्होंने DLED किया था, MHRD से उनके लिए स्पेशल कोर्स किया गया था। उनके 1,500 रुपये यहाँ पर छोड़ दिया गया था, और बताया गया था कि वो डिश टीवी को ख़रीद कर अपने घर घर में बैठकर कोर्स करें। तो उनके लिए 4,500 लिया गया सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए, या सेकंड ईयर में उनसे 6,000 रुपये लिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको देंगे जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि हमने आपके साथ ये शेयर किया है कि बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे थे कि सर कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, NIS में कब एडमिशन शुरू होगा, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो हमने आपके साथ शेयर किया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट सेल्फ ट्रेनिंग मटेरियल, स्वयं में आपको सेल्फ ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा। उसके बाद आपको ये सारी जानकारी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब इन्फॉर्मेशन आएगा साइड में जब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा हम आपको देंगे। और कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको कैसे फ़ीस देना है, आपको ID कार्ड कैसे डालना है, सब कुछ हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि सितंबर में ही आपको एडमिशन होगा या रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, या सितंबर से पहले तो आ जाए तो हम आपके साथ है, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करके सभी शिक्षकों को ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो सितंबर में ही एडमिशन ले सके।